everybody! Kaliya guzara, kiva rata kaliya. Dandiya menu, ruta piyalu waliya. Tere bajo chini lagda mata mar gaya. Aaja sonya, karu aaja sonya. लुआ वाली पिंडी होवे पोटा पोटा लम्मी होवे हरी के कचूर हो चोली होवे पूरी होवे बिच होण बकरे दे पुट दिया मोटिया नाले होण छड़िया ता दूर दिया रोटिया मक्खन दा पेड़ा होवे लस्सी दा प्याला हो पिंडिया दे नखरे ते गरम मसाला हो पिंडिया बनाना भी ते कोई कोई जानदा जिन दा बनाना भी ते कोई कोई ओ बस बस कर भाई की गल तेरे बस बस मसीकी होणी के तेरे घर परौणे आ गए पिंडिया पकाउणे आ बिच टमाटर पकाए इतनी इतनी डिशेस का आपने तफसील से जिक्र कर दिया ना मेरा ख्याल पहलवान जी जो है हमारे बड़े जो है वो जानवर नहीं हुए जरा हिला के देख ले उस्ताद जी हाँ नहीं जिंदा है क्या तारुफ पेश किया है पहलवान फिर आइंदा तेल की मालिश करवा के यहाँ आ जाएगा और हमारा क्लासिकी मौसीकी का तो ऐसा नाजुक काम है इसी के लिए कहा गया है ना कि ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम इसी शेर पे अमल करते हुए एक सिंगर फौत भी हुए थे उन्होंने सांस लेनी छोड़ दी और मेरा ख्याल है कि इस शेर की वजह से आज तक आपने हसबे हाल में एक अंतरा भी नहीं गाया तो आपने हमें अखाड़ों में घुसा दिया है अरे ये तो चलो है ही अखाड़े का माल है? मगर हमें तो आप खुदा के लिए एयर कंडीशन कमरे में ही रहने दीजिए मेहरबानी आपकी हम तो आज आपको मुबारकबाद देने के लिए आए थे ये क्या कहने क्या कहने पूरी दुनिया में शोरगोगा है कि हस्बे हाल एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे क्लासिकी मौसीकी को बड़े ही उम्दा अंदाज में फरोग दिया जा रहा है जी। और जुनेद मियां आपकी काविशें रायगा नहीं जाएंगी जिस तरह किसी ना किसी दिन कौमी असेंबली में जमात इस्लामी 120 सीटें लेके हुकूमत बनाएगी बाबा बिल्कुल उसी तरह क्लासिकी मौसीकी भी पूरी दुनिया में एक दिन राज करेगी अरे जी आप साजी जी ये तो ना राज करने वाली बात हुई ना लो दिल मत छोड़िए मैंने कब कहा ये ना हो कि कहीं दिल छोड़ के पार्टी बदल ले बाबूजी को पढ़ लेना तो पता करो कौन है हालात नहीं ठीक अजकल नहीं बाकी इनका तारुफ तो करवा दे आज आपके उस्ताद मुकर्रम की जगह ये मखलूक ये तशरीफ लाए बताए तो सही है कौन चांद गाड़ी का किराया कोई नहीं सी खान साहब को तो ड्राइवर नू अंदर ही ले आए ने ओहो मैंने तो बंदा लग नहीं रहा लकड़ का मोटरसाइकिल लग रहा है बाबूजी यहो जहा बंदा गुर्दा बेच के नान छोले खान दिया हुंदा सन 80 तो पहले बाबूजी इंज दियां स्त्रियां हुंदियां सी और किसी के दिल में कोई जुगत नहीं हमें पता है शोखे बैठे हुए हैं शोखे दसो तो सही खा जी कौन है दसो तो सही ना मैं कह रहा हूं किस्तों वाला है कोई किस्त लेने हमारी बात तो वही रह गई आपकी अपनी दिल लगी शुरू हो गई जुनेद मियां ये हमारे मालिक मकान है सदीकी साहब आपके पास एक झगड़े के तस्वीर के लिए आए जी जी बताए किराया यूं तय हुआ था कि हम इनके घर में रहेंगे और किराए के बस हम इनको गाना बजाना सिखाएंगे तो जब तक इनको गाना बजाना नहीं आता हम बगैर किराए के उस घर में रहेंगे अब ये सिर्फ एक साल के बाद ही कहना शुरू हो गए हैं कि गाना बजाना हमें आ गया है अब किराया शुरू कीजिए भाई इनको समझाइए कि गाना बजाना तो एक ऐसी चीज है जो सारी जिंदगी नहीं आती यानी आप सारी जिंदगी बगैर किराए के रहना चाहते भाई ये अब हमारा कसूर तो नहीं ये तो मौसीकी का कसूर हुआ और इनके शौक का जिन्होंने मौसीकी को हाथ डाल लिया और गाना भी उन्हें सिखाने जिन्हें साइकिल चलाने नहीं आती देखो नहीं वो छोड़े मुझे समझ नहीं आता अगर ये गाना सीख भी गए तो ये गाएंगे कैसे भैया हकला हमेशा गाते हुए ठीक हो जाता बिल्कुल सही वाह 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 मैंने सुने इनकी बड़ी बड़ी मूछें होती थी यूं यूं करके झाड़ ली भाई ये यूं करने से मूछें जड़ी नहीं ये थोड़ी सी जो निकली है इसीलिए तो निकली है एक जगह को मूवमेंट देते रहते हैं मैंने सुना किसी कॉन्सर्ट में गा रहे थे तो सारों ने खड़े होके कहना शुरू कर दिया मैंने जंगली कबूतर खुआओ लकवा दसो तो सही कौन है बंगलादेश का बैठे
ये बताया तो है कि हमारे मालिक मकान ने अच्छा अच्छा और इनको समझाइए खुदा के लिए कि किराया अभी नहीं बनता, कम से कम चले बहुत बहुत खींच के अगर हाथ बात की जाए तो 10 साल तो कम से कम नहीं बनता। भाई खान साहब हमने गाना सीख लिया, हमें किराया दे। हाँ सर, जब उन्होंने कह दिया कि गाना मैंने सीख लिया तो किराया शुरू करे। भाई अभी तो उनका सारे गामा सीधा नहीं हुआ उनका भी सारे गामा सीधा नहीं हुआ कि वो खुद सीधे हो गए आपके साथ। देखिए जरा खुदा के लिए ऐसे मत कीजिए सदीकी साहब, अभी तो भाई सारे गामा पा ये पक्का करना पड़ता है। जब तक ये पक्का ना हो हम इसके ऊपर मौसीकी की ताबीर कैसे शुरू कर दें? सारे गामा पा नहीं सा सानी दा पमा करे सा हो गया सही लाओ किराया। ओ हो हो ये तो जरा पिछले साल तुसी नहीं रहे उदा भी किराया बनता है। मुझे ये बताएं वायदा था क्या कि आपने इनको सिखाना था या इन्होंने आपको सिखाना था? क्या बात कर रहे हैं आप? आप इतने बड़े उस्ताद की यहाँ पे अपनी महफिल में ठट्ठा लगा रहे हैं। सर उनकी सारे गामों में भी बड़ा दम था, बड़ा दम था। कहिए जरा दोबारा। सारे गामा पता नहीं सा सानी दा पमा करे सा। देखिए ये जो है ना सारे गामा पता नहीं सा सानी दा पमा करे सा, ये हाथ छोड़ के कहना पड़ता है। आप हाथ छोड़ के नहीं कह रहे सारे गामा पता नहीं सा सानी दा पमा करे सा। देखिए इनकी साथ गर्दन हिल रही है, गर्दन एक जगह गर्दन खड़ी करके कहना पड़ता है सारे गामा पता नहीं सा सानी दा पमा करे सा। सारे गामा पता नहीं सा सानी दा पमा करे सा। मुझे लगता है उस्ताद जी ने ये शर्त रखते नहीं है कि बगैर मुंह खोले कह के दिखाए। तो फिर फन की मेराज तो यही है कि मुंह बंद करके भी कहा जाए। ये क्या बात हुई? बकवास नहीं करो, आपको शर्म नहीं आती? आप उस्ताद से मुकाबला कर रहे हैं। हमने जिनसे लखनऊ में सीखा था आज भी अगर कहीं हमें पता चल जाए कि वो लखनऊ में बाईसाइकिल पे जा रहे हैं तो हम फौरन पैदल हुए लेते हैं। बाबू जी महफिल मसीकी होंगी इतनी गाने आने इतने, अब बाबे दी गल ही नहीं मुकदियां, कहानी ही नहीं मुकदियां। क्या गाना गाने आते हो तुम, हमसे ज्यादा गाना आता है आपको। अब बाबा पिंड मुकाबला आया 15,000 रुपया जितया ही। ओ भाई कादा मुकाबला है? गदा उठा के बस पे चढ़ाना था। अब लो बाबू जी बाबा जी बंद जाते फिर है गदा चढ़ाना सी। बाबू जी उत्थे गाना गाया नाल सप मारिया तो 15,000 दिता सानू उन्हां लोकां ने। सप मारा एडा सारा सप आ गया पिंड भजन लगा इहनू। मैं कहा भजो जवानो उत्थे ही मारिया मैं इसे नाल चिमटे में सुट गया पर खाले। ने कहा सप दब दे, मैं कहा नहीं सन्यासी 2,000 का बेचांगे। कैसे बताए आप मौसीकी की मौसीकी 1-1 2-2 की। लो भाई ये मसला भी हल हो गया जी। हम सारी जिंदगी से ये सोच रहे हैं कि सांस का मौसीकी के अलावा भी कोई फायदा जरूर है। आज पता चला के सांप फेंकने के काम आता है। लो जी बाबू जी मसीकी पेश कर रहे हैं। आ आ आ जोड़ी वाले तेरी किंग दी तार की कहंदी है की कहंदी है सांजी असा जान के मीट लई असले असा जान के मीट लई असले चुप्पी पुठी दा पाले ऐसे बदतमीज सिंगर हैं। अच्छे बने खूबसूरत नरमो नाजिक गाने को क्या बदतमीज करके रख दिया। उसने रिक्वेस्ट की हुई है साढ़े वाल तक सजना, उन्होंने उसको धमकी बना दी है साढ़े वाल क्यों नहीं तकदा। अब बाबा पिंडा ने गाना जरा तिखा करके सुनाई दा है। ले तिखा करके तू हरी मिर्चा खा के गाना। ओ भाई मेनू ना जुगता करी खास, मैं तेरे बाकी दे वाल भी पुट के ना पीपे छोड़ देने। रिश्ता पता नहीं कैसे दिया हुआ, उधार कहां से देंगे। अच्छा
उस्ताद जी आज आपके साथ आए क्यों नहीं, बताए तो सही ना, हमारे व्यूअर्स बहुत मैसेज कर रहे हैं उनके बारे में, कहाँ रह गए? वो घर में विराजमान है। हाँ, उनको जानबूझ के नहीं हम साथ लेके आए, क्योंकि घर में हमारा कोई सामान तो है नहीं। हमें खौफ है कि हम दोनों बाहर आ गए तो ये बाहर से ताला ना लगा दें। हाँ हाँ, अगर गाड़ी में कोई सवारी ना हो तो जिस तरह लिफ्टर गाड़ी उठा के ले जाता है, इसी तरह घर में अगर सामान ना हो तो कोई भी कब्जा कर सकता है, इसलिए हम उन्हें सामान के तौर पे घर छोड़ आए हैं। उस्ताद जी ना वो कपड़ा हो गया जो सवारी बस की खाली सीट पर रख देती है कि ये सीट मेरी है। नहीं भाई, हमने किराए में लिया हुआ है मकान, ऐसी बात नहीं है, और जो तय हुआ है किराया उस पे ये मुकर रहे हैं। ये अब अगर गाना ही नहीं अभी आएगा तो हम कैसे इनको किराया दे दें? वो अच्छा वाला गा रहे हैं, आप बताएं कौन सा गाना गाए वो? जी गा देंगे, बिल्कुल गा देंगे, दसो केड़ा गाना। ओ बाबा जी, केड़े पासे लाउंडे उन्हें बेचारे नूं, चंगा भला कोट रफू करता सी।